अब हम मैच के बारे में आगे कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। इसमें पहला है कि क्रिप्टोजेंथिन यानी कि जो मैच का येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है, वो क्रिप्टोजेंथिन के कारण होता है। दूसरा, इसको क्वीन ऑफ सीरियल बोलते हैं क्योंकि अमंग द सीरियल इसका प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है। इसमें ये याद रखना है, इसमें 10% प्रोटीन पाया जाता है, 3 से 4% आयल पाया जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो 70% पाया जाता है। जो इसका प्रोटीन है उसको जीन प्रोटीन बोला जाता है। इसको आपको याद रखना है, जो इसका मैच का प्रोटीन होता है उसको जीन प्रोटीन बोला जाता है। वहीं पर जो व्हीट का प्रोटीन है उसको ग्लूटेन, और जो पैडी का प्रोटीन है उसको ओराजीन बोला जाता है। दोस्तों, जो इसका ये प्रोटीन है इसमें ट्रिप्टोफेन और लाइसिन जो एमिनो एसिड है उसकी कमी होती है। इसको 16वीं शताब्दी में भारत लाया गया था पुर्तगाल से, पुर्तगालियों ने लाया था। इसको आप ज़्यादा सेवन करेंगे तो पिलाग्रा रोग हो जाएगा। और इसका जो टेम्परेचर है जर्मिनेशन के लिए 21 डिग्री सेल्सियस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए 30 से 32 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपको याद रखना है। फिर जो है आगे हम वैरायटी यानी किस्म की बात करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हाइब्रिड मैच की बात आ रही है। तो हाइब्रिड मैच के बारे में जो सबसे पहली बार जो सोचा था उस व्यक्ति का नाम था ईस्ट एंड सन। ये लोग इसके बारे में सोचे थे, ईस्ट एंड सन। इन लोगों ने 1910 में पहली बार हाइब्रिड मैच के बारे में सोचे थे। तो ये लोग जो हाइब्रिड मैच के बारे में सोचे थे वो सिंगल क्रॉस टेक्निक के द्वारा सोचे थे। ठीक, तो हाइब्रिड मैच के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? ईस्ट एंड सन ने। और इन लोगों ने सिंगल क्रॉस टेक्निक के आधार पर हाइब्रिड मैच के बारे में सोचे थे। डबल क्रॉस टेक्निक के बारे में कौन सोचा था पहली बार? तो डबल क्रॉस टेक्निक के बारे में पहली बार सोचा था डी एफ जोन्स। इसका मीनिंग देख लीजिएगा, शायद होगा। डी एफ जोन्स ने 1920 में सोचा था। ठीक, जो अपना इंडिया है वहाँ सबसे ज़्यादा डबल क्रॉस टेक्निक चल रहा है, यूज में लाया जाता है। जो चाइना और यूएसए है, वहाँ सिंगल क्रॉस टेक्निक यूज में लाया जाता है। पहले थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं कि सिंगल क्रॉस टेक्निक और डबल क्रॉस टेक्निक क्या होता है। ठीक, इसका आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसको समझ लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक, सिंगल क्रॉस टेक्निक का मतलब होता है, आप दो क्रॉप लीजिए, क्रॉप ए क्रॉप बी, दोनों को क्रॉस कराइए तो जो आपका F1 मिलेगा यही जो आपका हाइब्रिड होगा। ये हुआ सिंगल क्रॉस टेक्निक। क्या हुआ? सिंगल क्रॉस टेक्निक। तो ये याद रखना है कि जो सिंगल क्रॉस टेक्निक में हो है उसमें दो क्रॉप होते हैं। इसके बारे में गहराई से अभी आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक, वो आपको जेनेटिक्स में गहराई से बताएंगे। ठीक ना, याद रखना है इसमें दो क्रॉप होता है और दोनों को क्रॉस करके जो F1 मिलता है वो हाइब्रिड हो जाता है। ये सिंगल क्रॉस टेक्निक है। जो डबल क्रॉस टेक्निक है उसमें क्या कहते हैं, जैसे ये दो क्रॉप हो गया इसी प्रकार दो और क्रॉप होगा। क्या? इसी प्रकार दो और क्रॉप होगा, सी और डी, इनका क्रॉस करेंगे तो यहाँ भी F1 मिलेगा। तो यानी इन दोनों क्रॉस किए तो F1 मिला, और इन दोनों का क्रॉस किए तो F1 मिला। तो ये जो दोनों F1 है इनको क्रॉस करेंगे तो फिर से हमको F1 मिलेगा। तो इसमें जो डबल क्रॉस टेक्निक है इसमें चार क्रॉप होते हैं। मेन मेन याद रखना है, जो सिंगल क्रॉस टेक्निक है इसमें दो क्रॉप होते हैं, और जो डबल क्रॉस टेक्निक है इसमें चार क्रॉप होते हैं। इसमें पहले इन दोनों का क्रॉस करके F1 बनाएंगे यानी हाइब्रिड बनाएंगे, और इन दोनों का क्रॉस करके F1 यानी हाइब्रिड बनाएंगे। जो दोनों जो हाइब्रिड बनेंगे उसका हम क्रॉस करके फिर हाइब्रिड बनाएंगे, वो होगा डबल क्रॉस टेक्निक। ये अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसके बारे में जो विचार आया था डी एफ जोन्स ने 1920 में। इतना आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो अभी पेट आपको करना पड़ेगा, जब जेनेटिक्स बताएंगे तो इसको गहराई से बताएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ए आई सी आर पी। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च
प्रोजेक्ट या प्रोग्राम जो भी होगा देखेंगे आप। ठीक, तो इसकी जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, 1957 में, और पहली बार किस पर किया गया था, वो मेज में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि AICRP का पहली बार प्रयोग किस क्रॉप पर किया गया था, वो मेज है, और इसका शुरुआत कब हुआ था, 1957 में। दोस्तों इसी के तहत यानी कि इस प्रोजेक्ट के तहत हाइब्रिड मेज पहली बार इंडिया में बनाया गया था, और ये चारों वैरायटी हैं जो कि हाइब्रिड हैं, गंगा 1, गंगा 101, डेक्कन और रंजीत। ये जो वैरायटी हैं वो डबल क्रॉस टेक्निक पर आधारित हैं, ये याद रखना है कि जो पहली बार, और ये वैरायटी कब बनाया गया था, 1961 में। ठीक, ये वैरायटी कब बनाए गए थे, 1961 में बनाए गए थे, और ये चारों वैरायटी हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कंपोजिट वैरायटी कौन कौन से हैं, तो किसान है, विक्रम है, प्रताप है, अंबर है, आज़ाद है, इनका सिंपली आपको नाम याद रखना है। एक पूछेगा जो प्रताप है वो किसकी वैरायटी है, तो आपको बताना है, टिक लगा देना है, मक्का की है। हाई प्रोटीन वाली ये दो वैरायटी हैं, प्रोटीना और शक्ति। तो इतने चीज़ में आपको कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, या आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। लेकिन यदि आपको बिल्कुल समझ में ना आया होगा तो आपको अभी वेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम मेज के बुवाई के बारे में देखेंगे कि कब करते हैं, और आपको एग्रीकल्चर टोटली याद करना है, तो इसमें याद करने पर क्या होता है कि बहुत सारे क्रॉप हैं, जैसे आपको टोटली 60 क्रॉप के आसपास पढ़ना होता है, तो सब में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको जोड़ के पढ़ना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, और यहीं से आपको याद भी रहेगा। ठीक ना, तो हम देखते हैं बुवाई के बारे में। तो जो मेज है वो उसका जो बुवाई का जो टाइमिंग है वो खरीफ सीजन है, और ये खरीफ सीजन का क्रॉप है। तो खरीफ सीजन से मतलब हमको जून जुलाई में इसको बोलना है, क्या, जून जुलाई में। यहाँ पर एक चीज़ आपको हम लिखाए थे पहले दिन कि जो खरीफ सीजन क्रॉप होते हैं वो क्या होते हैं, 60 डे प्लांट होते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये मेज है ये 60 डे प्लांट नहीं है, आपको यह याद रखना है कि जो मेज है वो 60 डे प्लांट नहीं है, जो मेज है वो डे न्यूट्रल प्लांट है, जो मेज है वो डे न्यूट्रल प्लांट है। आप नेट में सर्च करेंगे तो भी यही आता है, तो आपको ये देखना है कि जो मेज है वो डे न्यूट्रल प्लांट है, ये कई बार पूछा गया है। दोस्तों जो मेज है वो खरीफ सीजन का प्लांट है, लेकिन इसको थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल उगाया जाता है। ठीक, इसको नोट करके लिखना है। और जो रबी मेज है उसको सबसे ज़्यादा बिहार में उगाते हैं, दो पॉइंट आपको नोट करके लिखना है। फिर उसके बाद दोस्तों अब यहीं से आप इसको समझ सकते हैं कि जो डे न्यूट्रल प्लांट है इसमें यानी प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और आप इसको थ्रू आउट द ईयर उगा सकते हैं। इसकी स्पेसिंग की बात करें तो 60x20 cm है, जो 60 है वो रो टू रो डिस्टेंस है, और ये 20 यानी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, यानी कि जैसे आपका रो हो गया तो यहाँ की जो बीच की दूरी है 60 है, प्लांट हो गया इसके बीच की दूरी 20 cm है। सीड रेट की बात करें दोस्तों, तो जो इसका मेज का सीड होता है उसको किससे ट्रीटमेंट किया जाता है, वो थायरम है। और थायरम के बारे में ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो ट्रीटमेंट के लिए केमिकल है वो थायरम है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा केमिकल प्रयोग किया जाता है, वो थायरम है। उसके बाद सीड रेट की बात करें दोस्तों, कंपोजिट वैरायटी के लिए जो है ये 15 से 20 kg है, इनको याद करना है। कंपोजिट वैरायटी को देसी वैरायटी भी बोलते हैं। हाइब्रिड वैरायटी के लिए 25 kg है, और फॉडर क्रॉप के लिए 40-50 kg है। इसको जो बोने के लिए एक हम मेज प्लांटर का यूज करते हैं, तो ये कुछ याद करने वाला है, उसको आपको याद करना है सिंपली। फिर इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन में जो इसका क्रिटिकल स्टेज माना जाता है वो टेसलिंग और सिल्किंग स्टेज है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि यदि आपको ऑप्शन में टेसलिंग स्टेज और सिल्किंग स्टेज दोनों दे देंगे तो आपको क्या टिक करना है, तो आपको पहले सिल्किंग स्टेज टिक करना है, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है। और अगर दोनों में से कोई एक है तो दोनों आप मतलब टिक कर सकते हैं, अगर टेसलिंग है तो टेसलिंग टिक करेंगे, और सिल्किंग है तो सिल्किंग स्टेज। फिर उसके बाद दोस्तों अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें NPK का डोज याद रखना है 120-60-40। ठीक, और इसमें जो ये BFS है मतलब कि
जो फर्टिलाइजर है वो हम बिफोर फ्लावरिंग स्टेज में अप्लाई करेंगे, वो सबसे उपयुक्त होता है। और फ्लावरिंग स्टेज में क्या होता है, वो टेसलिंग स्टेज ही फ्लावरिंग स्टेज होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजर यूज करने का सबसे उपयुक्त टाइम है वो है टेसलिंग स्टेज से पहले। इसमें हम ZnS4 यानी जिंक सल्फेट भी देते हैं 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। वीड में आपको याद क्या करना है, वीड में इसमें बहुत सारे वीड होते हैं तो उनका नाम याद नहीं करना है, लेकिन आपको एक याद रखना है जो ये वीडी साइड है वो है सीमाजीन। ये पूछा गया था एक बार कि मेज में किस हर्बिसाइड का प्रयोग होता है, तो सीमाजीन का प्रयोग होता है। फिर दोस्तों इसके प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में आपको याद रखना है कि अगर कंट्री में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है, और अमेरिका में सिंगल क्रॉस टेक्निक का प्रयोग होता है। और इंडिया में पूछा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, ये डाटा चेंज होता रहता है। तो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको हम सारे क्रॉप का डाटा फिर से देंगे। जो इसका हम तुड़ाई करते हैं उसको बोला जाता है पिकिंग, यानी कि मेज की हार्वेस्टिंग के लिए हम उसको पिकिंग करते हैं, यानी चुनाई करते हैं। यहाँ पर डिसीज की बात करें दोस्तों तो पहला डिसीज है व्हाइट वाट, यानी कि ये मोस्ट है, ये जिंक की कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मेज में व्हाइट वाट किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जिंक की कमी से पैडी में कौन सा डिसीज होता है। फिर उसके बाद दोस्तों ये दूसरा है वो डाउनी मिल्ड्यू है। अब आपको कल भी हम बताए थे जो पिछले वीडियो में है कि जितने भी मिल्ड्यू हैं वो सारे फंगस के कारण होंगे, तो ये डिसीज है वो किसके कारण होगा, फंगस के कारण। ठीक, पेस्ट या इंसेक्ट की बात करें तो स्टेम बोरर है, ये सबसे खतरनाक कीट है मेज का। दोस्तों पेस्ट और इंसेक्ट में डिफरेंस है वो आपको इंटोमोलॉजी में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर दो इंस्टीट्यूशन हैं जो मेज से संबंधित हैं, उसको आपको याद रखना है। पहला PDMR यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च, ये कहाँ है, ये न्यू दिल्ली में है। इसको याद रखना है कि जो PDMR है वो कहाँ है, वो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ठीक, जो IIMR है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, ये है लुधियाना पंजाब में, ये है लुधियाना पंजाब में। दोस्तों एक और है जो इंटरनेशनल लेवल पर मेज के बारे में रिसर्च होता है वो है सीमिट, CIMMYT। सीमिट में दोस्तों फीट एंड मेज के बारे में रिसर्च होता है, फीट एंड मेज के बारे में रिसर्च होता है। ये सारी चीज़ें थी जो मेज के बारे में आपको याद रखना है, और मेज आपका यहीं पूरा हो गया। तो मेज के बारे में जो भी है वो आपको अच्छे से याद रखना है, राइस व्हीट मेज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो में हम अगला क्रॉप के साथ आपको फिर मिलेंगे।